हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में मैंने ये मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा इजी मेकअप लुक है। यू गाइज लव दिस मेकअप लुक और ये आप किसी भी पार्टी और किसी भी ओकेजन में इसको रिक्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी में जा रहे हो या फिर दावत में जा रहे हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइज यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का रियल बेस प्राइमर है। ये काफ़ी अच्छा हाइड्रेटिंग प्राइमर है। आजकल मेरी स्किन जो है वो काफ़ी ड्राई लग रही है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ हाइड्रेटिंग प्राइमर। सो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर और अपने आईलिड्स को अच्छे से प्राइम कर रही हूँ। और अभी मैं सिर्फ आईलिड्स पे मेकअप करूँगी, देन बाद में बेस करूँगी और इसको मैं सेट कर लूँगी फेस स्कैनर डाल के कॉम्पैक्ट से। नेक्स्ट मैं यहाँ हिलेरी रोडा का पैलेट ले रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा पैलेट है। इसमें से मैं ये लाइट चॉकलेट ब्राउन ले रही हूँ और आपकी अगर हुडेड आइज़ है तो एक फेक क्रीज बनानी होती है, तो मैं वही कर रही हूँ। मेरी हुडेड आइज़ है तो मैं फेक क्रीज लाइन बना रही हूँ लाइट ब्राउन शेड से और इसको मैं हल्के हल्के करके बिल्ड कर रही हूँ। मैंने एक स्मॉल फ्लफी ब्रश लिया है, स्मॉल फ्लफी ब्रश है, देन उसके बाद मैं बिल्ड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ पिंक शेड और इसको मैं अप्लाई करूँगी इस ब्राउन शेड के ऊपर, इस पिंक शेड को, और मैं हल्के हल्के करके बिल्ड करूँगी अपने आई मेकअप को ताकि बहुत ही अच्छा लगे, सिमलेस लगे। अगर आप आई मेकअप कर रहे हो तो एक ही बारी में आपको कलर नहीं उठाना है, आपको हल्के हल्के करके बिल्ड करना है कलर को, तो काफ़ी अच्छा है, इसमें इफ़ेक्ट आता है आई मेकअप में और ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल ने किसी आई मेकअप किया है। सो आपको हल्के हल्के करना है, एक ही बारी में नहीं लेना है ब्रश पे। तो मैं अगेन पिंक को बिल्ड कर रही हूँ, देन उसके बाद मैं इसको आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ लेकर आ रही हूँ फ्लफी ब्रश की हेल्प से। देन मैं एक गोल्ड शेड लूँगी और इसको मैं पूरी अपनी आईलिड के पे अप्लाई कर लूँगी। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल इजी मेकअप है आई मेकअप, आप इसको अचीव कर सकते हैं घर में। सो काफ़ी अच्छा ये आई मेकअप है, इजीएस्ट आई मेकअप है। तो आप कोई भी दो कलर से ये आपका हो जाएगा, एंड गोल्ड अगर कोई है हाइलाइटर है तो भी आप अपने आईलिड्स पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट से ये ग्रे शेड लूँगी और इसको एज अ आईलाइनर अप्लाई करूँगी। ये सॉफ्ट आई मेकअप हो जाता है इसे अप्लाई करने के बाद, ये एज अ स्मज आईलाइनर मैं अप्लाई कर रही हूँ एक ग्रे आई शेडो लेके, और बिल्ड कर रही हूँ मैं इसको हल्के हल्के करके इस आईलाइनर को। नेक्स्ट मैं के बाय कैटरीना का के ब्यूटी का काजल ले रही हूँ और इसको मैं ऐसा आईलाइनर अप्लाई करूँगी ताकि सॉफ्ट आई मेकअप लुक बहुत ही अच्छा आए, सॉफ्ट आई मेकअप। सो देन ये हमारा आई मेकअप फिर कंप्लीट हो जाएगा। अगेन मैं सेम पैलेट से पिंक शेड लूँगी और इसको मैं जो पिंक अप्लाई करा है फिर से मैं बिल्ड कर रही हूँ इसको ताकि मैं फिनिश कर सकूँ इस आई मेकअप को। दो मेबलिन शेड है मेरे पास, 128 और एक 220। 220 थोड़ा सा डार्क है मेरे स्किन टोन से और 128 जो है थोड़ा सा लाइट है, तो मैं दोनों को मिक्स करके अपना शेड बना लूँगी और इसको डॉट डॉट करते हुए अप्लाई करूँगी, अपने पूरे फेस को कवर कर लूँगी। और पूरे फेस को ये डॉट डॉट करके अप्लाई कर लिया है, देन उसके बाद मैं नेक एरिया को भी कवर कर लूँगी डॉट डॉट करते हुए। नेक्स्ट यहाँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ और एंड ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है। अगर एक्सेस फाउंडेशन लगा होता है तो ये सोक कर लेता है ब्यूटी ब्लेंडर और ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगता है। अभी मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा पसंद है फाउंडेशन को ब्लेंड करना, मतलब ब्रश से इतना नहीं पसंद है क्योंकि ब्रश से हैवी हो जाता है और ब्यूटी ब्लेंडर से काफ़ी अच्छा और नेचुरल बेस लगता है ब्लेंड करके और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है फाउंडेशन इजीली। अगेन मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर लूँगी और अपने जो हाइलाइटेड एरियाज़ हैं वहाँ कंसीलर को अप्लाई करूँगी, फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड्स बो और चिन पे,
एंड जहाँ जहाँ आपको पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ अप्लाई करूँगी मैं अपने फेस पे कंसीलर को। तो इसको मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अगेन मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा ये कंसीलर है। अगर कंपेयर करें मेबलिन से तो मेबलिन से काफ़ी अच्छा है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही क्रीमी कंसीलर है ये, मुझे बहुत पसंद है ये कंसीलर। नेक्स्ट मैं मेबलिन फिट मी कंसीलर ले रही हूँ और इससे मैं अपने जो जहाँ पर एक्सेस ऑयल आता है, क्रीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ वहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ कॉम्पैक्ट को। और ये वन ऑफ़ द बेस्ट कॉम्पैक्ट है, अगर मैं समर्स में बात करूँ तो काफ़ी अच्छा ये होल्ड करता है मेकअप को। सेम आई शेडो पैलेट से मैं कॉन्टोरिंग शेड लूँगी लाइट ब्राउन और इससे मैं अपने पूरे फेस को कॉन्टोर कर लूँगी और ताकि मेरा फेस फ्लैट ना लगे। फाउंडेशन के बाद फ्लैट लगने लगता है फेस, थोड़ा सा चिजल्ड लुक लगता है, कॉन्टोरिंग अप्लाई करने के बाद लिफ्टेड लुक लगता है। तो इससे मैं अपने पूरे फेस को ब्रॉन्ज कर रही हूँ अच्छे से ताकि एक वार्म्थ आ जाए फेस पे। नेक्स्ट मैं शुगर का ये ब्लश ले रही हूँ, ये मेलो वाइन शेड है, ये काफ़ी अच्छा शेड है फॉर मीडियम टू डस्की स्किन टोन और ये मुझे शेड काफ़ी पसंद आया है और ये वन ऑफ द बेस्ट मेरा ब्लश है और ये काफ़ी अच्छा कलर है इसका, बिल्कुल भी नहीं लगता है कि पैची, बिल्कुल नेचुरल लुक लगता है लगाने के बाद। सेम पैलेट से मैं लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ और पिंक को दोनों को मिक्स करके अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट कर लूँगी। और नेक्स्ट मैं ये शैम्पेन शेड ले रही हूँ, इसको मैं एज आ हाइलाइटर यूज़ करूँगी और इसको मैं चेक बोन्स पे, फॉरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो एंड चिन पे, जहाँ जहाँ हाइलाइटर अप्लाई होता है वहाँ मैं हाइलाइटर अपना अप्लाई कर रही हूँ। और अगर आपके पास पैलेट में कोई भी यू नो गोल्ड शेड हो या फिर शैम्पेन हो, आप उसको एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग पैलेट आप यूज़ कर सकते हैं एक पैलेट को मल्टीटास्किंग तरीके से। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लिप लाइनर और ये सेज ब्यूटी का लिप लाइनर है इन द शेड बॉबी ब्राउन। मैं यूज़ कर रही हूँ ये सेंसेशनली मे लिक्विड लिपस्टिक है फ्रॉम मेबलिन, काफ़ी अच्छा ये कलर है सेंसेशनली मी, यू गाइस लव्ड इट। अगर ये आप कलर लेते हैं तो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होंगे। सो या गाइस, दिस इज़ माय कंप्लीट मेकअप लुक, आई होप यू गाइस एंजॉयड एंड आपको ये लुक बहुत पसंद आएगा अगर आप रिक्रिएट करते हैं किसी भी फंक्शन या फिर पार्टी में जाने के लिए तो आप ये ईजीली रिक्रिएट कर सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट आई मेकअप किया है एंड बेस आल्सो। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।